अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका एवरीडे। जायका एवरीडे में आज हम बनाएंगे रजब स्पेशल मीठी टिकिया, इसे आप मीठी खस्ता पूरी भी कह सकते हैं। आज हम इसे इतनी परफेक्टली बनाने वाले हैं कि आप जब इसे बनाएंगे और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तब आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही खस्ता है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 700 ग्राम मैदा ली है और अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा में शामिल करेंगे 300 ग्राम पिसी हुई चीनी। चीनी का आप मिक्सी जार में अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लें, बहुत आसान होता है बनाना। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम ग्रेटेड नारियल। अब इसमें गुड फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, जिससे इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। हमारी मीठी टिकिया बहुत ज़्यादा खस्ता बने इसके लिए हम इसमें 200 ग्राम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें मैदा में कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसे गूंदना है। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप मिल्क लिया है। मिल्क हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैदा में डालेंगे और धीरे धीरे सॉफ्टली इसे गूंदेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है और 20 या 30 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। तीस मिनट बाद हम हाथों से इस तरह से मैदा को एक बार और सॉफ्ट करेंगे। और अब हम इसका पेड़ा रेडी करेंगे। इस तरह एक बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। जब हम इसे बेलेंगे तब हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें मैदा को ज्यादा पतला नहीं बेलना है। अगर हम इसे ज़्यादा पतला बेलेंगे तब हमारी पूरी कड़क हो जाएगी और अगर हम इसे ज़्यादा मोटा बेलेंगे तब हमारी पूरी अंदर तक नहीं सिक पाएगी। इसलिए हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, इसे मीडियम ही बेलेंगे और हर तरफ से इक्वल रखेंगे। इसके बाद हम इसे टिकिया का शेप देंगे। इसके लिए आप कटर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ग्लास भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी टिकिया बनाना चाहेंगे। ये बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इन्हें सेकेंगे। इसके लिए पैन में ऑयल गर्म करेंगे। हमें सबसे पहले ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म करना है और जब हम इसे सेकेंगे तब हमें चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देनी है। हम इन्हें बहुत केयरफुली ऑयल में डालेंगे और स्लो फ्लेम पर सिकने देंगे। स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाएंगी। जब हम देखेंगे ये फ्लोटिंग कंडीशन पर आ गई हैं, तब हम इन्हें पलट देंगे। बीच में हम चम्मच से इसे स्टर भी करते रहेंगे और जब इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इन पर, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के बाद हम इसे किसी भी जाली जैसे बर्तन पर रख देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। आप देख सकते हैं हमने इन्हें कितनी आसान तरीके से बनाया है। चलिए इसे चेक करते हैं और आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। बहुत खस्ता बनी है ये और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है।
इस तरह हमारी रेसिपी से बनाएं रजब स्पेशल मीठी खस्ता टिकिया या मीठी खस्ता पूरी, जो भी आप चाहे कह सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जायका एवरीडे को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।